अब फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला, जोधपुर के 5 ब्लॉक में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय खोले जाएंगे और नए कार्यालय खोलने और उनमें 25 नवीन पद स्वीकृत करने के लिए सहमति प्रदान की है। वसुंधरा सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे लक्ष्मी नारायण दवे की बीजेपी में घर वापसी, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाकल, औसी से महेंद्र सिंह भाटी और तिजारा के चंद्रशेखर यादव और बन्नालाल मीणा ने बीजेपी की मेंबरशिप ली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए, तेजादशमी महोत्सव और विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रस्तावित किठाना गांव की अगर बात की जाए तो द्वारा है उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी और SP मृदुल कुछवाहा किठाना गांव पहुंचे और हेलीपैड के साथ जोड़िया बालाजी मंदिर सभास्थल, राधा कृष्ण मंदिर और स्कूल भवन का जायजा लिया। पाली के जैतारण से खबर, जहां पर एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया गया। कार में सवार होकर हमलावर आए और दुकान से बाहर निकलने के बाद ही पीड़ित पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। सीकर के मंदिर गांव से खबर, जहां पर एक महिला ने अपने 16 महीने के भांजे का हथियार के साथ गुप्तांग काट दिया और आरोपी महिला का अपनी भाभी से फिफाद चल रहा था, जिससे गुस्साई इस महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हुए, DRUCC मेंबर को घर लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने 7 गोलियां मार दी, पुलिस ने गैंग वॉर का मामला बताया। कोटपुतली से खबर, अज्ञात 4 बदमाशों ने ई मित्र संचालक पर फायरिंग कर दिया, मारपीट और फायरिंग के बाद ई मित्र संचालक से लूटे 4 लाख रुपए। चित्तौड़गढ़ में डुंगरा क्षेत्र के फलोद गांव से खबर, जहां पर विवाद के चलते एक व्यक्ति पर हमला कर दिया गया, करीब 20 लोगों ने लठ और कुल्हाड़ी से हमला किया। उदयपुर में जलपुर जिला की खबर, जहां पर स्थित मंदिर में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ, आधा दर्जन युवकों ने यह वीडियो बनाया और शराब पार्टी कर रहे लोगों और युवकों के बीच में जमकर मारपीट की। बीकानेर के नवनिर्मित SSB हॉस्पिटल में तोड़फोड़ का मामला सामने आया, काली कार में आए युवकों ने तोड़फोड़ की और हॉस्पिटल के अंदर कई दरवाजों के कांच के शीशे भी तोड़ दिए। हिंडौन सिटी के सकरघटा गांव से खबर, यहां पर चामुंडा माता के मेले में दर्शन करने आए दो पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक की कार से कुचल कर उसको कत्ल कर दिया, दो लोग घायल हुए। सीकर के नानोली पुलिस ने नकली नोट बनाने के गिरोह का पर्दाफाश किया, आरोपियों को दो को गिरफ्तार किया गया, लाखों रुपए के नकली नोट बरामद किए। अलवर जिले के बैरोड कस्बे में चोरों ने जमकर आतंक मचाया, एक ही रात में 5 दुकानों के ताले तोड़ दिए गए, हजारों का माल और नकदी पार कर लिए। अलवर के रामगढ़ कस्बे से खबर, जहां पर बैरूजी मंदिर में मेले के दौरान महिला से छेड़छाड़ के बाद बदमाशों ने महिला के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने हथियारों से हमला किया। राजस्थान जिले के नाथद्वारा से खबर, जहां पर गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ और नमाना के बावन कोटे के पास विसर्जन के दौरान बनास नदी में 3 लोग डूबे। जयपुर के बबरू से खबर, जहां पर नेवटा बांध में 2 युवकों के डूबने के चलते जलस की टीमें मौके पर पहुंची, 38 घंटे बाद दूसरी सफलता हासिल हुई, बांध में डूबे दूसरे युवक का शव ढूंढ निकाल लिया गया, मृतक की पहचान बनी पार्क जयपुर निवासी सक्षम तामी के रूप में। मसूदा मेले में घूमने आए एक युवक की खान में भरे पानी में डूबने के चलते मौत हुई, और यह भी बता दें कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवा लिया गया, शिनाख्त खेमपुरा निवासी सोनू के रूप में। झुंझुनू बगड़ मार्ग पर हुए सड़क हादसे में दंपति की मौत हुई और भीड़ में मट से पहले स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और हादसे में पत्नी प्रियंका की मौके पर ही जान चली गई। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से खबर, जहां पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 99 शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा और शिक्षा मंत्री BD कल्ला कार्यक्रम में मौजूद। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा उदयपुर दौरे पर है और उन्होंने गांधी ग्राउंड पहुंचकर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय आयोजन के अभ्यास सत्र के निरीक्षण किया। उन्होंने जनजाति खेल प्रतिभाओं, हॉकी प्लेयर्स और तीरंदाजी से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित किया। मुख्य सचिव ने जिले में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे तमाम प्रयासों को सराहा, इसके साथ ही उन्होंने गतिमान प्रशासन बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मराकेश आवासीय खबर, जहां पर स्थानीय थाना परिसर में CLG सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, आगामी त्योहारों को उल्लास और शांतिपूर्वक तरीके से मनाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
जालौर के दुम्बरिया गांव से खबर, जहां पर पुलिस सहभागिता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस उप अधीक्षक सीमा चोपड़ा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सवाईमाधोपुर के खाटूपुरा गांव से खबर, दहशत का एक प्राय बने पैंथर को आखिरकार वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, जंगल में छोड़ दिया और पैंथर पिछले 4 दिनों से लगातार गांव में मूवमेंट करता हुआ नजर आया। मारा के मांगोल से खबर, जहां पर सड़कों पर जानवरों का झमघट हादसों को न्योता दे रहा। शहर की सड़कों पर भटकते गोवंशों के चलते आए दिन हादसे होते हैं, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। बारा जिले के जल झूलनी एकादशी के मौके पर शुरू होने वाला डोल मेला और नगर परिषद की उदासीनता की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 सितंबर को मेला शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक दुकानों का आवंटन नहीं किया गया है। उपखंड मुख्यालय पिस्तांगन के समेत देहात के गांव-गांव ढाणी ढाणी तेजा दशमी के अवसर पर लोक देवता वीर तेजा जी महाराज की ज्योति निकाली जा रही है। तेजा जी महाराज के सम्मान में उपखंड क्षेत्र में 2 दिन के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। सवाईमाधोपुर के मौली से खबर, जहां पर अग्रवाल धर्मशाला पर समिति अध्यक्ष चौथमल मंगल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अग्र सहायता कोष के विस्तार पर मंथन किया गया। आहोर उपखंड क्षेत्र के ब्रोडला से बाबा रामसा पीर के भक्तों का जत्था रवाना हुआ और रामसा पीर के दर्शन के लिए कवराडा स्थित बाबा रामदेव मंदिर करवाडा पहुंचा जत्था। बीकानेर से खबर, जहां पर चाकू से युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया और सरेआम घर के बाहर आपस में भिड़े थे दो गुट, पैसे के लेन देन का बताया गया मामला। मालपुरा के डुंगरी कला गांव से खबर, अपने मकान के पास नेचुरल ग्रेनाइट की खदान में नहाने गई 2 सगी बहनों की डूबने के चलते मौत। कोटा के पास से जा रही बनास नदी में डूबे 3 बच्चे, नदी के पानी में डूबने के चलते 3 बच्चों की मौत हुई। नादवाना थाना इलाके के नमाना के पास की घटना।